हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 65 पैसे की गिरावट देखने को मिल रही है और ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1% से भी ऊपर की गिरावट दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम इस स्टॉक पर टेक्निकल चार्ट पर आए तो कुछ इस प्रकार का चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहेगा, जहां पर इस स्टॉक में एक ऊपरी लेवल से गिरावट देखने को मिल रही है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो एक हाई बॉटम बनता हुआ नजर आया है अराउंड 62 रुपए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस स्टॉक का जो एक हाई बॉटम बनने के बाद में नीचे का इस स्टॉक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आता है अराउंड 55 रुपए 50 पैसे। 55 रुपए 50 पैसे इस स्टॉक का नीचे का एक सपोर्ट लेवल निकल के आता है। जब तक ये स्टॉक इससे ऊपर रहता है तो इस स्टॉक में एक खरीदारी होती हुई नजर आएगी। जब ये स्टॉक यहाँ से नीचे गिरता है तो इसमें एक बिकवाली होती हुई नजर आ सकती है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करके चलना चाहिए, जो कि अराउंड शॉर्ट टर्म के लिए आप 57 रुपए का एक स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। और इस स्टॉक में यहाँ से इस स्टॉक में एक शॉर्ट टर्म बाउंस बैक देखने को मिलता है तो 60 रुपए और सेकंड टारगेट 61 रुपए तक के देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आप 54 रुपए के बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 60 रुपए और 65 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।